चलिए आइए हम देखते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की शैडो जो है कैसे बनेगी। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म सबसे पहले मान लीजिए आपने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, तो ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ट्रायंगल यहाँ पे दूर से दूर बनाते हैं, ये हमने बनाया क्या ट्रायंगल, ठीक है। इसका हमने प्रोजेक्शंस लिया ऐसे, यहाँ से प्रोजेक्शंस लिया ऐसे, ठीक है, प्रोजेक्शंस लिया और यहाँ से प्रोजेक्शंस लिया हमने ऐसे, तो ये ट्रायंगल बना, ये कुछ ऐसे बना ट्रायंगल, ठीक है। सेंटर में लाइन आई आपकी ऐसे, ठीक है। अगर हम इसकी नेमिंग कर अगर यहाँ पे इसकी हाइट की बात करें, तो ये हमने लिख लिया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रखा 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी डिस्टेंस पे हो गया, 415, यानी ये 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये बनेगा। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ए बी सी, और ए के नीचे क्या आएगा, ब्रैकेट में 1, बी के नीचे ब्रैकेट में 2, सी के नीचे ब्रैकेट में 3, तो इसकी नेमिंग हम यहाँ पे भी कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। चलिए अब हम इसकी सायोग्राफी देखते हैं, प्रोसेस सेम जो प्रोसेस हमने इस वाले में अपनाया था। तो पॉइंट बी से हम 45 डिग्री पर लाइन ड्रा करेंगे, ये देखिए हमने ड्रा किया, इसको हम ऐसे लेके आए, यहाँ से बी से 45 डिग्री पर लाइन ड्रा किया, यहाँ पे आया। अब जैसे ही बी पॉइंट मिला, हम ए बी सी ट्रायंगल हूबहू कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो ये देखिए हमने ये ट्रायंगल आपका यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इसकी नेमिंग हमने कर दी ए बी सी, फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, 2 वाला पॉइंट है, यहाँ से 45 डिग्री पर लाइन गई यहाँ पर ऐसे, यहाँ से लाइन आई ऐसे, 2 से लाइन जा रही है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से भी 1 2 3 ट्रायंगल बनेगा, वो इसी के साइज का, तो हमने बना लिया 1 2 3। अब आउटर लाइन को हम मिला देंगे, 1 को A से मिलाएंगे, 3 को C से मिलाएंगे, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर दें ताकि विजिबल लगे, ये देखिए हमने आउटर लाइन को डार्क किया, और यहाँ से हमने डार्क किया, और ये देखिए ऐसे डार्क किया, और ये जो इसके नीचे का हिस्सा आएगा वो डॉट डॉट में आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हैच कर देते हैं 45 डिग्री पर, ये हो गई आपकी शैडो EHP में, ठीक है। थैंक यू सर।